हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरकोदा बस स्टैंड के सामने झगड़ा, घायल पीजीआई रेफर। शहर के बस स्टैंड के सामने दो युवकों को अन्य कई युवकों ने पीटकर घायल कर दिया। खरकोदा निवासी महेश ने बताया कि उसके पास उसके दोस्त कंसाला निवासी दीपक का फ़ोन आया था कि बस स्टैंड के पास वह दुकान पर बैठा हुआ है। जब उसने वहाँ आने के लिए कहा तो वह वहाँ पर पहुँच गया। जब वह वहाँ पहुँच गया तो उसके दोस्त की साहिल नामक युवक से कहा सुनी हो रही थी। वह बीच बचाव करके अपने दोस्त को दुकान से बाहर ले आया। आरोपी ने अपने 8-10 दोस्तों को वहां पर बुला लिया। उसके दोस्तों ने आते ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस झगड़े में उसे व उसके दोस्त को काफ़ी चोटें आई हैं। घायल अवस्था में उन्हें सरकारी अस्पताल लाया गया। बाद में चिकित्सकों ने इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस झगड़े में उसके दोस्त की सोने की 2 तोले की चेन टूटकर गिर गई है। हमला करने वाले युवकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आप सबको नमस्कार। खरकोदा वासियों, आज फिर से एक नया मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूँ। इस मुद्दे का एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। सब पूरे देश को पता है कि सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में जो मेडल आते हैं वो हरियाणा से आते हैं, और गोल्ड मेडल लाने वाला भी खरकोदा हल्के से है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक स्टेडियम का एक यहाँ पर उद्घाटन किया गया था, जो आईटीआई के बिल्कुल पास है, नगर पालिका के माध्यम से हुआ था। 6-6.5 करोड़ की लागत उसमें लगी, लेकिन आप एक बार उसको विजिट करके देखे ना, उधर कोई प्रैक्टिस करने की जगह है, सिर्फ कुछ चीज़ें पक्की कर दी गई हैं जहाँ पक्के में लोगों को भागना पड़ता है। अगर यहाँ का युवा अगर उस स्टेडियम में आके प्रैक्टिस करेगा, पुलिस भर्ती के लिए दौड़ करेगा, अगर वो फौज की भर्ती के लिए दौड़ करेगा या किसी भी एक फिटनेस के लिए काम करेगा तो उसके लिए लाभदायक होगा। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ अपने साथियों को कि साथियों, ये नगर पालिका जो है ये एमएलए के अंडर नहीं आती है। ये जो नगर पालिका है इसका बजट डायरेक्ट सरकार से आता है, डायरेक्ट बजट एमपी से आता है। तो हमारा जो मुद्दा है, बहुत लोगों ने ये कहा है कि भाई एमएलए साहब ने, कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने नहीं कहा। मैं अगली वीडियो में आपको जरूर काम गिनवाऊंगा जो कांग्रेस सरकार ने अपने खरकोदा हल्के में काम किया है। तो ये वीडियो हमारे खेल स्टेडियम के लिए है। आने वाली सरकार अगर कांग्रेस की बनेगी, सतपाल ब्रह्मचारी जी एमएलए बनेंगे, तो गारंटी के साथ हम अपना खेल स्टेडियम बनवाएंगे। रोहतक सोनीपत की सीट तुम जिता दो, हरियाणा में थारा राज मैला दूंगा हुड्डा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को खरकोदा विधानसभा के गांव सिसाना खांडा व फरमाना में पहुंचे और वहां पर उन्होंने जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि सोनीपत की सीट ब्रह्मचारी को जिता दो ताकि अगले 3 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से आपकी कांग्रेस सरकार बन जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा ही नहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन की पूरी लहर है और इंडिया गठबंधन जीतेगा। मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में है, कुछ वोट काटू भी चुनाव मैदान में है जिनका मुख्य उद्देश्य है आपकी वोट को काटना है, इसलिए आप ध्यान रखें। सिसाना गांव में हुई जनसभा में विधायक जगबीर मलिक, सुरेंद्र पवार, जयवीर बाल्मिक, भालू नरवाल, कुलदीप पहलवान, इंस्पेक्टर राजेंद्र दहिया, दहिया खा प्रधान जयपाल दहिया, राहुल बिदलान, सिकंदर दहिया सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। दहिया व गहलोत खाप द्वारा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ना बन दे भजन लाल पीएचडी है और तीनों लाल एक हो जाएंगे। हुड्डा साहब ने वह पीएचडी पढ़ी, मुख्यमंत्री कुर्सी लाया, काम करके दिखाए। सूरखड़ी दिखर खोदा सूरखड़ी सूर लोटे से वहाँ बस अड्डा हॉस्पिटल जाके देखो, वहाँ पर स्कूल देखो और कॉलेज देखो, कॉलेज भी बना कर खोदे में। अब ये है अब भाई ये चालन कोने दे हुड्डा साहब की, अब तो हमारे ऊपर आ गई बात है। हुड्डा साहब ने 9 की 9 टिकट हुड्डा साहब ने दी है, अब उन्हें ना जिताओगे तो फिर किसकी गलती रहेगी भाई? तो ये हमारी जिम्मेवारी है। अके सोनीपत की सीट को सबसे ज्यादा वोटों से देता है। आपकी मुख्यमंत्री कुर्सी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 महीने बाद लाएंगे और बाद 40 साल तक आप राज करोगे। इसमें कई अब की बार कुर्सी आ गई है। बंसीलाल ने कहा था मैं 25 किलोमीटर तक उठ की पूंजना छोड़ू देश से, मैं
और मैं यह मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर छोड़ दूंगा और हम मुख्यमंत्री की कुर्सी रख के 10 साल रुपये छोड़ के बैठ गए। ये बताओ के करो कुकर गुजारा होगा? हमने लोग आरते भरो तो सोनी बतने इस कुर्सी का पता लग गया ना, मुख्यमंत्री कुर्सी के स्वाद का पता लग गया, फिर ये कुर्सी जान नहीं देंगे किसी कीमत पर भी। अरे भी यार स्वाद ले लिया और लकड़ी की। जब आज लंबा प्रोग्राम है, हालांकि यहाँ खरखोदा जलसा कर गए थे हम, लेकिन आज खास तौर पर सोनीपत में कई गांवों का बना रखा प्रोग्राम, तो यहाँ सिसाना से शुरुआत करिए हमने आप यहाँ पे अपनी हाजिरी देने के लिए। और आज जैसे कह रहे थे सुबह मुकाबला, पता नहीं ने क्या मुकाबला कलोई का खरखोदा का है, वो तो है, लेकिन सिसाना गांव का तो भाई सांगी से मुकाबला है। देखते हैं सांगी में ज्यादा होगी सिसाना माँ होगी, ठीक है ना? जब तो है वैसे तो यह बादशाह होता मैं कोई ऐसी कभी छोड़ी नहीं आज तक है। बाकी आपको बता दिया था सारे पर रिश्ता भी बता दिए होंगे भाई, केंद्र में बनेगी सरकार तो क्या क्या करेंगे। राहुल गांधी जी ने उसमें जो मैनिफेस्टो बनाया है उसमें बहुत सारी बातें हैं, केंद्र में 30 लाख जगह खाली है, भरी नहीं इनमें क्या कुछ। किसान की आमदनी दुगनी करनी थी, लागत दुगनी करती, तो कांग्रेस ने फैसला किया है, उसकी कमेटी का अध्यक्ष मैं था, वहाँ फैसला किया गया था कि अगर केंद्र में सरकार आएगी तो सबसे पहला काम करेगी किसान को MSP की गारंटी देगी, लीगल गारंटी देगी कानूनी, जो इसका उससे कम खरीदेगा उसकी सजा होगी। ओम हेल्थ फाउंडेशन में मदर खजानी जूनियर स्कूल बवाना के संयुक्त तत्वाधान में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 270 व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और फ्री दवाइयां वितरित की गई। डॉक्टर कविता त्यागी के नेतृत्व में व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉक्टर की टीम में रिंकू सनी, सत्यम, राजेश कुमार, अमित कुमार, कैंप कोऑर्डिनेटर दौलत चौहान आदि उपस्थित रही। जगुत्थान खेल शिक्षा समिति के अध्यक्ष सौमवीर आर्य ने बताया कि कैंप की व्यवस्था सारी समिति के द्वारा की गई है, वह समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग दिया है। स्कूल प्रिंसिपल सोनिया दहिया ने मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया, वह स्मृति चिन्ह देकर डॉक्टर कविता त्यागी को सम्मानित किया। ओम हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष वचन सिंह राणा ने मदर खजानी विद्यालय परिवार की सभी सदस्यों की प्रशंसा की व उनका आभार व्यक्त किया। आज का जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है उसके लिए मैं सर्वप्रथम ओम हेल्थ फाउंडेशन का आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से कराने में हमारा पूर्ण रूप से सहयोग भी किया है। और मैं खास तौर पर डॉक्टर्स की टीम का आभार व्यक्त करता हूं और जिनके नेतृत्व में मैडम कविता त्यागी जी के नेतृत्व में लगभग 270 व्यक्तियों ने आज इस कैंप का लाभ उठाया है। केदारनाथ एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ईंट रोड़ी क्रेसर सीमेंट बदरपुर AAC ब्लॉक सरिया शटरिंग सामान कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657999651620। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।